सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है स्कॉर्पियो क्लासिक। इस ऑल न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक को मैं चला रहा हूँ भोपाल से दिल्ली की तरफ और लगभग अभी 400 किलोमीटर मैंने कवर कर ली है इस गाड़ी के साथ में। गाड़ी चालू है आइडियल कंडीशन में और एसी भी चल रहा है, तो आवाज़ जो कितनी आ रही है आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, गाड़ी काफ़ी स्टेबल है दिखने में, ऑलमोस्ट सिमिलर ही। अगर आपको वॉक अराउंड देखना है तो आप लोग देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। फिलहाल मैं आप लोगों को मेरा इसका हाईवे का एक्सपीरियंस बताता हूँ। भोपाल में मैंने इसको सिटी में भी चलाया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उस बेसिस पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी का कैसा है और पहले से कितना बदला है वो सब चीज़ें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गियर की पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, स्टेयरिंग की पोजीशन वगैरह सभी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सिमिलर ही फील होने वाली है। एक चीज़ इस कार के अंदर आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, लाइक अभी गाड़ी बंद है, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लच यूज़ नहीं करना पड़ता है महिंद्रा की सारी गाड़ियों में, गियर स्टिक अब हिलती नहीं है, पहले लाइक वो पूरा एकदम शेक कर जाती थी, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंस आपको फील होगा और गियर काफ़ी स्मूथ भी जो है वो फील होते हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट गियर क्रॉल फंक्शन इस कार के अंदर भी, अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट और सेकेंड गियर में लो स्पीड पर काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाती है बिना एक्सेलरेट करे, और 0 to 100 जो है वो भी गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेती है। अभी बात करते हैं, जैसा कि ओवरऑल अपना रिव्यू होता है तो सबसे पहले व्यूइंग एंगल की बात करते हैं। फ्रंट ग्लास काफ़ी बड़ा है, बट अगेन जो इसका एंगल है वो ऑफसाइड रखा है, तो जिसकी वजह से अगर आप ट्रिपल डिजिट कर रहे होते हैं तो वहाँ से हवा जो है वो चलती है, तो वो थोड़ी सी फील होती है, बाकी देखने में कोई परेशानी नहीं आती है। ORVM काफ़ी बड़े हैं, गाड़ी और साइड का व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से आपको दिख जाता है। IRVM जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है, बट अगेन पीछे से काफ़ी अच्छा डिसेंट व्यू आपको मिल जाता है और सभी चीज़ें दिख जाती है, आप मैनेज कर लेते हो। बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा खुला खुला भी फील नहीं होगा बिकॉज ये 7-सीटर कार है और उसमें आपको सारी जगह जो है हेडरेस्ट मिलते हैं, बट इवन दो फिर भी आप बीच में मैनेजेबल आपका व्यू मिलता है जिसमें कोई आ रहा है या डीपर दे रहा है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाती है। एक भोपाल में मैं एक जगह गया था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सिर्फ गाड़ी क्रॉल कर रही थी 3, 4 या 5, 7 की स्पीड पे, दैट्स ऑल, बार बार रुक रहे थे। वहाँ पर कुछ गलियों में टर्न भी लेने पड़ रहे थे, जो ओल्ड भोपाल है, जो लोग भोपाल से उन लोगों को पता होगा। वहाँ सीन ये था कि एक तो आप हाइटेड बैठते हो, ठीक है, तो जो ये ए पिलर है या यहाँ आके और लेफ्ट की तरफ, इस जो राइट वाला पिलर है वो लेफ्ट की तरफ और जो लेफ्ट वाला पिलर है वो राइट की तरफ बैंड हुआ है, इसमें वो आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर होके देखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर कोई एक्टिवा या बाइक पार्क है, तो वो व्यू जो है वो आपका बिल्कुल एकदम या तो फिर आप जजमेंट से चलाओ, वो चीज़ हो जाती है। वो वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा और कंपनी वर्क कर सकती है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो बना सकती है, बाकी हैज़न सच कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। आप हाइट पे रहते हो तो ऑलमोस्ट आपकी कमांडिंग पोजीशन बनी होती है ऑल ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक वाइज गाड़ी कैसी है, तो सभी चीज़ें रीच में, बट इसकी जो एंड्रॉयड प्लेयर है ये डेफिनेटली फील नहीं करवाता कि आपने 17-18 लाख रुपए किसी गाड़ी के ऊपर पे करे हैं, तो इसको कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर कंपनी ने ध्यान उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, और स्टार्ट होने में थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, एंड्रॉयड लिखा हुआ जाता है। उसके बाद में टच का फीडबैक ठीक है, डिसेंट है, आप जब काम कर रहे हो प्ले पॉज करना है वो सब कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलती है, रेडियो मिल जाता है, एप्पल का एयरप्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है 17-18 लाख रुपये में। इवन दो चलो इसको छोड़ के महिंद्रा उनका खुद का ही दे देती जो 300 में दे रही है, 700 में दे रही है, स्कॉर्पियो में रहा है, या बेसिक जो अभी 400 में दिया है 300 वाले ही, वो भी अगर दे देती तो इससे तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ इसका इंटरफेस थोड़ा सा बड़ा है, बट स्टिल इसके अंदर क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है आपको। रिवर्स कैमरा जब ऑन करते हैं तो उसका भी ब्राइटनेस इतना ज़्यादा होता है कि सब चीज़ें ऐसे ब्लास्ट हुई भी आपको फील होती है। रात में ठीक है, आपका मैनेजेबल काम बन जाता है कि कुछ नहीं है तो उससे ये होना ज़्यादा बेटर है, बट अगेन जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल वर्थ बाय फील नहीं होती है, तो यहाँ पर कंपनी बेटर काम कर सकती है। बाकी इंटीरियर की क्वालिटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो रगेडनेस पहले थी उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा प्रीमियम अपील हो गया, बिकॉज बैच कलर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी, और सीट तो कंप्लीट बैच कलर की आती है, फैब्रिक सीट्स हैं सारी आगे से पीछे तक, अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज डिसेंट है और जो चाहिए होता है, स्कॉर्पियो जो नेम है जिसको डिफाइन करती है हर जगह थोड़ा सा रफ एंड टफ वाला फील, वो यहाँ पर आपको इंटीरियर में मिल जाता है, और थोड़ा सा वुडन ट्रीटमेंट दिया जिससे थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील हो जाता है। अब बात करते हैं इंजन की, तो ये इंजन इसके अंदर पहली बार आया है, बट थार में ऑलरेडी अपन यूज़ कर रहे हैं। एमॉक सीरीज़ का इंजन है, 130 BHP और अराउंड 300 NM के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है। लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इंजन ऑलमोस्ट 1600 RPM के आसपास जहाँ मैंने देखा कि एकदम किकिंग कर जाता है, अच्छी तरीके से पावर जो है वो डिलीवर करता है, और आप 50 की स्पीड में भी 6th गियर लगाओ और 140 की स्पीड में भी 6th गियर में अच्छी तरीके से कार क्रूज़ करती है।
क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो अभी मैं कंटिन्यूसली हाईवे पे ही क्रूज करते हुए आ रहा हूँ। मैंने 40-50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के आसपास भोपाल सिटी में इस गाड़ी को चलाया होगा। तो क्रूजिंग स्पीड इस कार की, जो वहाँ पे आप लोग इस गाड़ी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, वो अप्रोक्स 100 की स्पीड है। लाइक 100 से ऊपर जाने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या आपको लगता है कि ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन पे आप कार चला रहे हो जहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी, कि आप मैनेज कर लोगे, तो फिर ठीक है। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 100 या 110 से ऊपर आप इसको चलाएं, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल वाला सीन जो है वो हो जाता है फैक्टर, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी ज़्यादा है, और जो पूरी बॉडी जिस हिसाब से डिज़ाइन की गई है वो बॉक्स स्ट्रक्चर है। तो जब भी किसी बॉक्स को अगर आप मूव करोगे तो वो एकदम स्टेबल फील नहीं करवाएगा, तो वो चीज़ होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपको इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए। तो अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा स्टेबल कार चाहिए, स्कॉर्पियो एन जो है वो आपके लिए बेस्ट कार हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, कंपनी का कहना है उन्होंने नए सस्पेंशन लगाए हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करा है, तो मेरे को एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा 20% के आसपास फ़र्क फील होता है, 15-20%, उससे ज़्यादा नहीं। पुरानी वाली स्कॉर्पियो से, पुरानी वाली स्कॉर्पियो के सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा सॉफ्टर साइड थे, जब वो कॉर्नरिंग करती थी तो वो झूलती थी, या बोल सकते हैं कि बॉडी रोल ज़्यादा फील होता था। हिंदी में सब लोग ये बोलते हैं कि झूला थी, वो बॉडी रोल होता है वो गाड़ी के अंदर ज़्यादा फील होता था, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी उस सस्पेंशन में, वो ज़्यादा सॉफ्टर साइड फील होते थे। और फिर इस कार के अंदर थोड़े से स्टीफर साइड दिए गए हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी पोर्टहोल पे से निकलते हो तो ये वो पूरा फीडबैक ज़्यादा आपको स्टेयरिंग पे देखने को मिलता है। फिर भी उसको काफ़ी अच्छा कैलिब्रेट करा गया है, ऐसा नहीं है कि टायर का मूवमेंट आपकी स्टेयरिंग को मूव होने से रोक रहा है या खुद से मूव कर दे रहा है, वो चीज़ अच्छी तरीके से काम कर देती है आपका। बट अगेन, आप लेडर फ्रेम पे एक गाड़ी को चला रहे हो तो वो प्रॉपर फील आपको बिल्कुल एकदम जो मोनोकोक जैसी वाली है वो तो कहीं से दे नहीं सकती है, या वैसी स्टेबिलिटी या हैंडलिंग या मैनेवरेबिलिटी आपको इस कार के अंदर नहीं मिलने वाली है। बट इस कार की जो इमेज है या जो इस कार का स्टैंड है वो भी अगेन इस कार को सबसे अलग कर देता है, जो प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी को रखा है कंपनी ने। सस्पेंशन डिसेंट है, बेटर है, ये मेरा ओवरऑल मानना है ऐसा कि हाँ, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए रफ एंड टफ तो उसके हिसाब से ठीक है। ब्रेक्स की बात करते हैं, गाड़ी नो डाउट अच्छे ब्रेक्स लेती है, आगे से एकदम ऐसे बोनेट डाउन सा भी फील होने लग जाता है, बट टायर चौड़े हैं, गाड़ी बड़ी है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप जब ब्रेक लोगे तो कितनी दूर जाके गाड़ी रुकने वाली है। एक दो दिन जब चलाओगे तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, किसे इसको कंट्रोल करना है, बट स्टिल ब्रेक्स अच्छे हैं, और टायर से जो ग्रिप आ रही है, जो टायर यहाँ पर यूज़ करे जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे। मैं टॉप मॉडल चला रहा हूँ, इसमें दो ही मॉडल आते हैं, एक बेस मॉडल आता है, एक टॉप मॉडल आता है, दोनों के वॉक अराउंड अवेलेबल है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है कि उनमें क्या फीचर्स का डिफरेंस है। तो हाँ, फीचर्स से एक चीज़ याद आई, इसके जो मिरर्स के कंट्रोल है वो यहाँ पर जैसे राइट साइड में दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको डोर्स पे दिए जा सकते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता। बस एक ही ये अर्गोनॉमिक वाइज जो फीचर है वो थोड़ी सी गलत जगह प्लेस किया गया है, बाकी हाथ जो है सभी जगह चले जाता है। दूसरा, इसका यहाँ पे माइलेज वगैरह नहीं बताता है, तो इस चीज़ की मेरे को कमी लगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फ़ोन वगैरह जो कनेक्टेड फीचर, ये सब कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी एकदम अगेन रॉ है। आप इसके अंदर अपना मैप लगाओ, फ़ोन कनेक्ट करो, चार्ज करो, म्यूज़िक सिस्टम डिसेंट है, और गाड़ी का मज़ा लो। और अभी 6th गियर में चल रही है, और मैं आपको RPM एक बार बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट्स में, तो अभी 100 की स्पीड पे 2000 RPM के आसपास जो है वो इसका काटा है। अगर मैं इसको 120 पे चलाता हूँ तो ये आराम से 2500 से 2600 RPM के आसपास जो है वो क्रॉस करती है, उस पर रहती है या उसको क्रॉस करती है अगर वेट ज़्यादा है तो। अभी मेरे साथ में दो लोग और हैं, और पीछे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, तो एक डिसेंट वेट है, या बोल सकते हो कि 5 लोग जितना बैठते हैं उतना अभी लगेज के साथ में कंप्लीट हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं। और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी तो सिटी में अगर कंप्लीट आपको ड्राइव एक्सपीरियंस देखना तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी बनाई थी जब गाड़ी नई नई आई थी, और सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो क्लासिक का। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी इस गाड़ी से कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे चेंजेस होके आए होंगे, बट एज एन सच इतना कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क जो है वो नहीं करा है, सिर्फ वेरिएंट कट कर दिए गए हैं, प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी गई है, और दो ही वेरिएंट में गाड़ी को रखा गया है। और महिंद्रा का ऐसा सोचना है कि आप स्कॉर्पियो एन परचेस करो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो सिर्फ आपको एक कार चाहिए, एक अच्छा रोड प्रेजेंस चाहिए, या पता चले कि आप किसी बड़ी गाड़ी से आए हो या स्कॉर्पियो से आए हो, तो बस वो नाम के लिए अगर आपको लेना है तो आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस डाल दो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइलेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे पिछली वीडियो में लोगों के, तो मुझे जनरली लगता है कि अगर आप ट्रिपल डिजिट कर रहे हो तो माइलेज आपको 12 के आसपास मिलने वाला है, बट अगर आप
80 से 100 के बीच में चल रहे हो तो आप आराम से 13 से 14 के बीच का माइलेज जो है वो इस कार से निकाल सकते हो। बट अगेन आप बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी स्पीड वगैरह पे चल रहे हो तो 15-16 का भी निकाल सकते हो। तो माइलेज आपको सिर्फ और सिर्फ चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को चला कैसे रहे हो। अच्छे से चलाओगे अच्छा मिल जाएगा, ख़राब चला रहे हो तो आपको सिंगल डिजिट में भी मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, माइलेज चलाने पे डिपेंड करता है। मेरी कंडीशन में, मेरी ड्राइविंग स्टाइल पे, मेरे को आराम से 12-12.5 के आसपास का माइलेज इस कार ने रिटर्न करा, जहाँ पर मोस्टली कार जो है ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ही क्रूज हो रही थी और सिटी ट्रैफिक में चल रहे थे, जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, हेवी ट्रैफिक, 1-2 घंटे के आसपास में उस टाइप की कंडीशन में गाड़ी चली और जो फ्यूल एफिशिएंसी आई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये सभी चीज़ें हैं। स्टेयरिंग की अगर बात करें तो अगेन स्टेयरिंग अच्छा वेट रखते हैं हमेशा, गाड़ी जब आप चलाना स्टार्ट करते हो या गाड़ी आप ट्रिपल डिजिट पर चला रहे होते हो तब तक काफ़ी अच्छा वेट जो है स्टेयरिंग में आपको मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ में कोई ये अच्छी लगी कि इतनी बड़ी गाड़ी है टर्न करने में परेशानी नहीं आती है। थोड़ा सा डेफिनेटली हेवी है नॉर्मल छोटी गाड़ियों से या क्रेटा सेल्टोस से कंपेयर करोगे तो, अगर 17-18 लाख में वो भी आती है तो, बट ये अगेन पूरा कंप्लीट अलग स्ट्रक्चर है तो इसको उससे कंपेयर किया नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल स्टेयरिंग मेरे को अच्छा फील होता है। बस एक ही चीज़ मेरे को लगा कि और ज़्यादा इंप्रूव किए जा सकते हैं, वो सस्पेंशन और स्टेयरिंग के साथ जो कैलिब्रेशन और ज़्यादा बेटर हो सकता है जब बम्स या पोटोल से निकलती है तो वो सारी चीज़ें स्टेयरिंग पे फील होता है। वो अगर कंपनी बेटर कर दे तो ये गाड़ी हैंडलिंग के मामले में और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो बस इस वीडियो को ही रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसी कास बाइक स्कूटर्स के और वीडियोज़ अगर देखना है तो वो भी आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ऐसा लॉन्ग ड्राइव वीडियो और किसका आप देखना चाहते हैं। ड्राइव सेफ, राइड सेफ़।